है ना लेकिन नाउ वी गोन कॉम्पनसेट फॉर एवरी थिंग बिकॉज यहां पे जो ट्रेलर देखने वाले हैं आप लोग उसका जब से टीजा आया है या जब से वो वो ग्लिम्स आया है लोग दीवाने हुए जा रहे हैं पीपल आर से क्या हो रहा है म्यूजिक भी अभी आपने सुना था यहाँ पे है ना एकदम वो लोग भी फील दे रहे थे कि कहीं से भी कुछ भी आके कभी भी हो सकता है डिश 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 या राइटली सेट सो वट वीडूज इन जलमन हिट नाम ही है पूरी टीम को बोलना चाहूंगा सर नाम ही सुनिए वट डू आई से You know, this is why I love you guys. Yeah, give yourselves a big round of applause, ladies and gentlemen. As we are all set to unveil the trailer of this movie, the most awaited movie, something uh, something really intriguing. Or yeah, see they hit. See they what we'll do is we'll show the trailer to you guys and uske bad bate. All set? Here we go. All eyes on the big screen, ladies and gentlemen, as we present to you the trailer of the movie HIT. सोकिन करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा यू नो दिस सन्नाटा इट्स अ फुल हाउस एंड द सन्नाटा सेज अ लॉट अबाउट दिस मूवी

नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज फिल्म के साथ हिंदी डेब्यू कर रहे हैं डॉक्टर उनके लिए जोरदार तारिया वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स यहां पे एकदम हिट मशीन कह सकता हूं मैं सर आपको है ना अभी सवाल हैं बहुत सारे उनके बारे में जानूंगा एंड नाउ द मैन केन से ही इज द मैन हु सीज फ्यूचर हुफिनेटली नोज की बैक टू बैक सुपर डुपर हिट्स कैसे दी जाती है एंड अपनी टीम के साथ मिलकर ही इज डन इट डे इन डे आउट लाइज इन जर्म इन द विजनरी दैट आई कॉल हिम मिस्टर भूषण कुमार लाइज इन जर्मेक नॉइज एंड उनके साथ साथ uh, यहां बुलाना चाहूंगा उनको जो एक नेशनल uh, फिल्म अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर साहब है दिल राजू साहब वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके लिए जोरदार थालियां एंड नाउ द की कैस्ट दैट वी वॉचड ऑन द बिग स्क्रीन द मैन बिहाइंड दिस इनको भी पता है कैसे क्या लेके जाना है ऑडियंसेस तक गिव इन अप कुलदीप सिंह राठौर साहब कम ऑन एकदम सब स्तब स्तब्ध हैं आज राइट यो ऑल थिंकिंग सर एकदम ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है आप लोगों ने सो so, मैं सवाल जवाब कर लेता हूँ जल्दी से आपके लिए सबसे पहला सवाल यू नो यू वो ऑन अ हॉलीडे एंड यू हैव टू कम हेयर लाइक सब छोड़ छाड़ के वॉज इट लाइक हॉलीडे पे जाना आफ्टर दिस मूवी कि भाई मुझे रिलीफ चाहिए बिकॉज ये रह जाएगा किसी के भी साथ नहीं हॉलीडे पे जाना बहुत ज़रूरी था बिकॉज कोविड में पैंडमिक में जा नहीं पाए थे और शादी के बाद नहीं जा पाया था hmm. तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था एक हॉलीडे लेना राइट right. लेकिन uh, मैं सुबह ही आया नौ बजे की फ्लाइट से और रात की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ जस्ट फॉर द ट्रेलर लॉन्च बिकॉज ये फिल्म बहुत स्पेशल है हमारे लिए uh, सैलिश एक बहुत अच्छे मेकर हैं uh, इन्होंने पहली जो फिल्म बनाई थी हिट वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और सानिया के साथ बहुत मजा आता है हर बार ही इज़ अ डियर फ्रेंड भूषण सर दिल राजू सर कुलदीप सर सो आई थिंक ये वो फिल्म थी कि जब उन्होंने मुझे, मुझे जब टीम ने बोला कि हम ट्रेलर लॉन्च का प्लान कर रहे हैं और आपको आना होगा एक दिन के लिए तो मैंने बिना सोचे समझे बोला फॉर श्योर sure, कि दिस द फिल्म आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ जो एक बहुत ही अलग अवतार में आ, मुझे प्रेजेंट कर रही है एज एन एक्टर एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर हमारे सिनेमा में लेकर आ रही है आ, क्योंकि हमारे यहाँ थ्रिलर बहुत कम बनते हैं और अच्छे उससे भी ज़्यादा कम बनते हैं री वेरी हैप्पी वेर इन यूर बींग टोल्ड कि भाई वो जो पुराने केसेस जो आपने सोल्व किए उसका कुछ कुछ आपके संग रह जाता है is, जिसका कुछ हिस्सा रह जाएगा राजकुमार के साथ बहुत अच्छे दोस्त रह जाएंगे थिंक सानिया के साथ पहली बार काम किया तो सानिया इज अ फ्रेंड फॉर लाइफ सैलेशज अ फ्रेंड फॉर लाइफ एंड भूषण सर ऑफकोर्स वे बिन वर्किंग टुगेदर और आगे भी बहुत काम कर रहे हैं सर के साथ कुलदीप सर के साथ सो बहुत लोग साथ में रह जाएंगे जिंदगी भर के लिए और इस फिल्म के साथ आई थिंक ये जर्नी शुरुआत हुई है एक हिट द फर्स्ट केस की द फर्स्ट केस के बाद द सेकेंड केस भी है द थर्ड केस भी है बहुत सारी कहानियां इनके पास ऐसी कमाल कमाल की और ऊपर वाले ने चाह तो हम ये कहानियां आगे हर साल हर दो साल में वाओ वाओ यही सुनना चाह रहे थे यार यही चाहिए था हमें सानिया दिस वंस फॉर यू प्लीज टेल अस कि

क्या लगता है कौन yes, होगा? Okay, <laughs> <laughs> किसको मेरे पर शक है 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 बताओ कितने लोगों को लग रहा इतनी स्वीट सी मैं किसको मार सकती ओके टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी उस रोल में बिकॉज़ जो आप भी कर रहे हो वो भी बहुत बहुत राजकुमार विद यूंग्स गेट वेरी इजीटर सो इट नेवर फील्स लाइक I'm in mean a scene, right. and also if you're di being directed by a director like Sedish. so okay. it all felt very like smooth right. as an actor. I never right. felt like I'm a scene, or right. right. I just had to react to what he's doing, and he's brilliant yeah. at yeah. what he does. Right. So a quick question you, to Sama. you. So uh, are you? दे रहे हैं, वाह। जो होता है ना, कि इट्स नॉट दैट इजी उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है यहाँ पे क्या क्या गया कैसे गया और इतना फास्ट पेस बना दिया कैसे एंड तक रखेंगे सर ऑडियंस का अटेंशन को रोक के पकड़ के सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अलॉट मीडिया फ्रेंड्स फॉर कम आई नो यू हैव अ वेरी बिजी डे टुडे डे बहुत बिजी डे चल रहा है उनका थैंक थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग आर फिल्म थैंक यू सो मच रही सो स्क्रीन प्ले ऐसा ही लिखा है कि बहुत रेसी होगा तो वेन आई वॉज राइटिंग इट द फर्स्ट थिंग दैट हैड ऑन माई माइंड वॉज हर दस मिनट में कुछ ना कुछ हाई देना है मुझे राइट सो यू नो दैट वही था माइंड में जब मैं लिख रहा था सो गुड थिंग ऐसा ही निकल के आया है और इतने अच्छे एक्टर्स मिल गए हैं मुझे कि यू नो दे टू इट टू अनदर लेवल एंड सो थैंक्स अ लॉट टू द एक्टर्स सो या Amazing, amazing. Thank you so much, sir. Who done it? You done it, sir. You've <laughs> done it. You've killed it. Bhushan sir, this one's for you. Please tell us, you know, hit pe hit, pay, hit pe hit, hit pe hit. I think ये dialogue आपके ऊपर हो जाना चाहिए बिल्कुल set. So didn't you like suggest कि आपको पता ही था of course as we said and as the entire industry believes कि Bhushan sir को पता है कौन सी चीज कहाँ चलेगी. यहाँ मन नहीं किया कह दूँ कि super hit रख दो इसका नाम. नहीं ऐसा कोई मन नहीं किया means. फिल्म uh, अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं और चलना ना चलना तो ऑडियंस के हाथ में बट इन दिस फिल्म दिस ये मेरी पहली एसोसिएशन है दिल राजू सर के साथ सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड ही इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रेट फिल्म एंड हिज वर्क मीन्स ही हैज डन अ ग्रेट जॉब मैन आई सॉ द फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम तो तब मुझे जिस तरीके के ट्विस्ट टर्न आपने अभी ट्रेलर में देखे उससे बहुत ज़्यादा फिल्म में सो द इंटायर कास्ट एवरीबडी राज सान्या

द इंटायर स्पेक्ट्रम या कहें सारे डिफरेंट जॉनर्स जो हैं उनको आपने कवर कर लिया है वॉट इज दैट वन थिंग दैट दैट यू सी इन अ मूवी यू नो टू बैक इट या वो पैरामीटर्स क्या होते हैं फॉर यू प्लीज टेल टाइल समथिंग बात नहीं अल्टीमेट फिल्म जो भी कैसा फैमिली का हो लव हो एक्शन हो अल्टीमेटली इज ऑडियंस को रीच करना है ऑडियंस रीच करे तो वो फिल्म सक्सेस होते है वही फार्मेट है आज हिट का भी वही फार्मेट है टू टू एंड हाफ आवर्स ऑडियंस कैसा एंगेज होना उसमें क्या इंटरेस्ट है राइट वही रहता है

Sir, is also of course TCD. Say, would like to invite him also, sir. Thank you so much. Can we all place the chairs now? Thank you. We'll do the solos. Solo karte. Me solo. Solos pan chairs.

Is going to be a hit. It's a very racy and pacey, you know, trailer. Wow. We Thank had you, seen the teaser yesterday. What do you have to say uh, about your role in this? Well, it was a very uh, something very new for me, something very fresh for me, and I always try and do uh, look for roles which can challenge me or, or can offer me something different from what I've done earlier. And I think HID hit. Uh, रियली वॉज जस्ट दैट फिल्म दैट कैरेक्टर विक्रम जयसिंह जिसको मैं ढूंढ रहा था बिकॉज मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर अभी तक किया नहीं है जो अपने पास जो उसका एक्सपीरियंस रहे हैं उससे भी यू नो दे सो मच गोइंग ऑन दे सो मच बैक ही इज कैरिंग एंड स्टिल ही इज एट हिज जॉब ही इज एट एट ही वॉन्ट्स टू सोल्व द इन्वेस्टिगेशन सोल्व द क्राइम सो आई थिंक बहुत मज़ा आया मुझे जिस तरह से शैलेश ने इतनी रिसर्च उन्होंने वो खुद डॉक्टर हैं वो साइंटिस्ट हैं पी एच डी हैं पीएचडी है ना हाँ पीएचडी है डी और तो उन्होंने बहुत रिसर्च की है फिल्म के आप देखेंगे हर चीज के पीछे लॉजिक है ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कहने के लिए कह दिया या डालने के लिए डाल दिया है ये सब बातें उन्होंने बहुत सारे कुछ टू प्लस केसेस पढ़े उन्होंने एक्चुअली में उनसे निकाल निकाल के सब चीजें जो आप देख रहे हैं फिल्म में वो सब uh, उन्होंने अपने स्क्रिप्ट में लिखी और फिल्म में लेके आए सो फॉर मी तो इट वॉज लाइक अ ग्रेट स्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड अ ग्रेट कैरेक्टर सो दे वॉज नो वे फॉर मी टू से नो

कैरेक्टर मैं नहीं तो कैरेक्टर थोड़ा सा यू कैन रिवील कैरेक्टर मैं फॉरेंसिक ऑफिसर प्ले कर रही हूँ एंड इट वॉज आई रीली लाइक प्रिपेरिंग फॉर माई कैरेक्टर्स तो मेरे लिए कुछ नया था टू लर्न सो आई रिमेंबर फॉर माई प्रेप आई वॉज रियी एक्साइटेड सो आई लर्न हाउ फॉरेंसिक ऑफिसर्स टेक फिंगर प्रिंस एंड बिलिस्टिक्स एंड ऑब्वियसली सैलेश वॉज देर टू हेल्प मी एंड गाइड मी थ्रू वट आई वॉज डूइंग इन द फिल्म Just one? Yeah. Celeste Garu, welcome. Thanks, Ji. <laughs> uh -huh. So the as I asked him also, it's really racy and pacey uh, trailer. What are your expectations? And you're coming with a cop universe. A South director coming with a cop universe. Right. What do you have it's to say some about, some about some the cop universe? Huh? <laughs> 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 yeah, 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 yeah. It's okay. सो द एक्सपेक्टेशन इज़ दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है कॉन्फिडेंस uh, है कि ऑडियंस को पसंद आएगा क्योंकि बहुत रेसी फिल्म है uh, इतना बोल सकता हूँ कि आप uh, एक बार थिएटर में आएंगे तो दो घंटे तक आपका जो भी लाइफ में टेंशनस हैं बाहर कुछ भी चल रहा है वो सब भूल जाएंगे आप यू विल एन्जॉय अ गुड फिल्म एंड यू विल सी अ गुड फिल्म एंड कम आउट ऑफ द ऑडिटोरियम दो घंटा पता नहीं चलेगा कि आपको कब निकला इतना तो बोल सकता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऑडियंस को पसंद आएगा दिस इज़ वेरा एंड ये सैम एक कॉप यूनिवर्स क्रिएट करने का ही विजन है इसीलिए द फर्स्ट केस लगाएं बिकॉज सामने जाके सेकंड केस थर्ड केस भी बनाए अगर uh, बनाना चाहूँगा अगर ऑडियंस के ब्लेसिंग्स हैं तो सो या अभी ऑलरेडी तेलुगु में सेकेंड केस भी बना चुका हूँ और बाद में हिंदी में भी बनाने की इच्छा है अगर सब लोग ब्लेस करेंगे तो वो भी करेंगे अग्री हो गए क्या भूषण जी सेकंड केस बनाने को अग्री हो गए आप <laughs> <laughs> क्या कहना चाहेंगे भूषण जी ऑलरेडी अग्री I... हो गए हैं ये सेकंड केस ढूंढ रहे हैं नहीं है इनके पास so how... आपके पास एक्चुअली जो साउथ में जो मेरे पास है तेलुगु लैंग्वेज जो फिल्म बनाई है उसकी जो उसकी जो स्टोरी है और आई थिंक जो हिंदी लैंग्वेज की स्टोरी होगी वो अलग होगी दैट वाज योर प्लान राइट कि थोड़ा कुछ अलग केस करके या दैट्स द प्लान या

नो you know, पहले पिक्चर बताया तो आई लाइक द फिल्म इमिडिएटली मैं बोले चलो इसको ये फिल्म को उधर लेके जाने का फिर उधर जो तेलुगू को हिंदी में बहुत डिफरेंस है सो so, वो डायरेक्टर बताया तो अच्छा है अभी मैं बताना वाले नहीं हूँ ही मेड यू मेड लॉट ऑफ चेंजेस फॉर हिंदी ऑडियंस के लिए इट्स वेरी मच इंटरेस्ट फिल्म अभी शे, जो शैलेश बताया दो घंटे वो पता नहीं होता फिल्म yeah. देखे तो दैट्स द मेन Can I ask my question now? Yeah. yeah. Hi, uh, I'm here. Here. Hi. Hi. Yeah, hi. Princey, uh, thanks Prince. for. Yeah. yeah. <laughs> we are from Delhi. I'm also Raj from Kumar, Delhi. Prince, English mate, Sunny. Yeah. <laughs> I'm also from Delhi, and you are also from Delhi. Oh. So there's another connect. Oh, wow. <laughs> hi. <laughs> actually, the trailer looks very, very good. Thank you. you know. Thank you. Principal. And uh, my question is for the director, Salish. Uh, hi. hi. So mm -hmm. everybody said you're a doctor, preparations, you were there. So I'm sure it's actually backed by a lot of research. Could you share a little light on that? And, uh, yeah, you know, so, yeah, just about that. Yeah. So. So. या कोर्स आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिसकॉज आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड आई वाज एन सिडनी में काम करता था मैं एसोसिएट लेक्चरर था साइंटिस्ट था तो मेरा थोड़ा आई आई गेट अ लिटिल पिकी व्हेन आई व्हेन आई व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग बिकॉज मानता हूँ कि हर एक चीज़ लॉजिक के साथ बैक बैक होना चाहिए ओके सो जो भी मैंने इस फिल्म में आप मैंने बोला दस दस मिनट में आपको एक एक हाई आएगा सारे हाईज ड्रामेटिक हाईज मैंने फिगर आउट किया Uh, एक अबाउट हंड्रेड एंड फिफ्टी टू हंड्रेड केसेज जो अराउंड द वर्ल्ड हुआ है उसको मैंने न्यूज़पेपर कटिंग्स और मेरा बड़ा लाइब्रेरी था यू में सिडनी में आई हैड एक्सेस टू दैट तो वहाँ पे बैठ के मैं यू uh, नो you know, रात को बैठ के ये इंटरेस्टिंग uh, केसेस पढ़ता था मैं एंड पेपर कटिंग्स के साथ जो जो केसेस में सही में हुआ है सो so, जो मूवी आप देख रहे हैं सो कम्बिनेशन इट्स लाइक सारे ड्रामेटिक हाइज uh, जो हैं सच में कुछ ना कुछ केसेस में हुआ है वर्ल्ड सो so, सारे चीजों को मैंने मिला के एक अच्छे से फिक्शनल स्टोरी बनाया so, yeah. will... awesome, huh? mm. so, है you know, कभी कभी मेरे रिलेटिव में मेरे वाइफ निकाल के पढ़ लेते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आदमी कौन है <laughs> ये सब क्यों लिख रहा है, <laughs> ये क्या कर रहा है? <laughs> सब एक ऑप यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए करता हूँ <laughs> बाकी कुछ नहीं है you got, <laughs> हाय शैलेश जी हाँ भूषण uh, सर हाँ हाँ जी कोई नहीं कौन सा केस ये ये अलग अलग फिल्म है सर, ये अलग है सर 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 कहानी हमें तो दूर दूर तक नहीं नहीं याद आया था आप ही ऐसा आ, उसके साथ कुछ लेना देना देखेंगे तो नहीं। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने दिखाया कि क्या है आप एच आई टी है वो yes. या इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं इसको बुलाता हूँ बुलाता हूँ पर इट्स ओके टू कॉल इट हिट बट या एच का एब्रीविएशन है तो या इट हैज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग ओके हाय शैलेश जी हियर टुवर्ड्स सामने टुवर्ड्स राइट हाय हियर हियर टुवर्ड्स राइट यहां पे बात करते हैं एच आई टी की हिट की तो तेलुगु में ये जब आई थी तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई और लोगों को बहुत पसंद आई अब जब हिंदी में आ रही है तो क्या ये रीमेक होगी या किस तरह से और रीमेक है तो किस तरह से लाइक मतलब क्योंकि बॉलीवुड में हमेशा एक रीमेक बहुत अच्छा कर भी रही है अभी अगर हम बात करें तेलुगु या तमिल फिल्में जब हिंदी की तरफ आती हैं क्या कहना चाहेंगे आप ओके okay, सो so, थोड़ा uh, टाइम लूँगा इसको आंसर करने के लिए प्लीज़ डोंट माइंड तो बुलाएँगे रीमेक फिल्म ही हैं पर ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ये रीमेक में जो हो रहा है ना बहुत रेयर सिनारी में होता है जहाँ पर कई लोगों को नहीं पता है कि ओरिजिनल भी मैंने ही लिखा था ओरिजिनल भी मैंने ही बनाया था सो so, ओरिजिनल डायरेक्टर ओरिजिनल राइटर एंड तेलुगु वर्जन जो शूट किए हैं सिनेमाटोग्राफर मणिकंडन सर वो भी मेरा सिनेमाटोग्राफर है हिंदी के लिए और ओरिजिनल को जिसने एडिट किया था गैरी भाई गैरी गैरी ही कर रहे हैं एंड दिल राजू सर हु वॉज वन ऑफ़ दन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर द Telugu वर्जन उनको लगा कि यू नो ये कहानी हिंदी ऑडियंस के लिए हम लोग स्केल बढ़ा के लोकल हिंदी सेंसिबिलिटीज़ थोड़ा ट्विक करके रिलेवेंट टॉपिक्स टच करके अगर हम ये हाई uh, थिएटर में दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छा सा काम होगा सो so, ये जो है रीमेक बनाने का डिसीशन uh, था जो ये हमारे बीच में हुआ था बाद में भूषण सर जैसे एक यू नो इट इज़ अ जॉइंट प्रोड्यूसर ही केम ऑन बोर्ड एंड सपोर्टेड हमारा विजन को सपोर्ट किए हमारा पैशन देख के सपोर्ट किए तो ये रीमेक है हाँ लेकिन ये हर एक रीमेक जैसा नहीं है uh, मैं I, ऑनेस्टली स्पीकिंग री मैं मेरा पर्सनल बिलीफ है कि रीमेक उसको करना चाहिए जो ओरिजिनल बनाया है वो मैं मानता हूँ मैं किसी और का स्टोरी तो लेके मैं रीमेक नहीं करूँगा बट इफ़ आई वॉन्ट टू टेल दिस स्टोरी टू अ बिगर ऑडियंस अगर ये मैं बड़ा ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ ये ये स्टोरी उसको यू नो लोकल सेंसिबिलिटीज़ और वहाँ के सेंसिबिलिटीज के साथ इसको ट्वीक करके उनके ही लैंग्वेज में uh, बताने का uh, मतलब यही था कि मैं जैसे तेलुगु लोग ये मूवी को एन्जॉय किए हैं आई वॉन्टेड द हिंदी ऑडियंस ऑल्सो टू एंजॉयट लाइक दैट तो इसीलिए यू नो द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वॉज ये विक्रम का कैरेक्टर और नेहा का कैरेक्टर कौन कर सकते हैं ये ये बोलना चाहूँगा कि राज भाई इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट भाई एक बार कान बंद कर लो ना पता है आपको पसंद नहीं है ये सुनना कान बंद ही मैं वो <laughs> फ्लाइट में वन वन ऑफ ऑफ द द प्ले करेगा उससे ज्यादा कुछ कैलकुलेशन mm -hmm. नहीं था कुछ भी नहीं था सेम थिंग होल्ड गुड फॉर सानिया ऑल्सो सो सो दैट वॉज द इंटेंशन वो इंटेंशन था मेरा कि तुम लोग ऐसे Uh, आप लोग ऐसे एन्जॉय करो मूवी को जैसे ओरिजिनल को एन्जॉय किया गया था एंड इट्स मेंट फॉर अ कम्यूनल एक्सपीरियंस ऐसे थिएटर में आके बैठ के आप देखो तो मज़ा आएगा इसीलिए सब टाइटल्स के साथ या डब आवाज में आपको देखने में मेरा विजन में शायद आपको थर्टी फोर्टी परसेंट आपको शायद रीच होगा hmm. वो मेरे लिए काफ़ी नहीं था तो इसीलिए मैंने अपने ऊपर उठाया कि इसको आपको मैं बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस आपको दूँ सो या वी कैन कॉल इट अ रीमेक बट आई थिंक आई थिंक वी शुड हैव समर टर्म फॉर दिस ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको कुछ और बुलाओ कुछ मतलब ओरिजिनल रिक्रिएशन बुलाओ पता नहीं क्या है परू नो ये आई बिलीव रीमेक्स शुड भी लाइक डन लाइक दिस ओनलीशन सही इंटेंशन के साथ करेंगे तो आई जस्ट होप द ऑडियंस ऑडियंस विल अंडरस्टैंड और मेरा दूसरा सवाल यही है कि एच आई टी द फर्स्ट केस की बात करें तो सेकंड केस थर्ड केस भी हम जैसे कि आपने बताया कि 200 300 केस आपने तैयारी की हुई है तो क्या आगे भी हम सेकंड केस थर्ड केस में राजकुमार राव को ही कंटिन्यू देखने वाले यूनिवर्स कॉप की बात करें तो हाँ अभी मेरे कान खुले हुए सेकेंड केस तो अलग हो गए या एक्चुअली यही है ना कि uh, uh, मेरा विजन है जो है स्लोली uh, यानी कि देयर विल बी सब्सिक्वेंट केसेस ऑन दैट ऑफिसर क्योंकि थोड़ा पर्सनल आर्स ऐसा है जो बाद में भी बता, बताया जाएगा और राज भाई के साथ और बहुत काम होगा लाइक यू नो भाई अफकोर्स वाई धन्यवाद धन्यवाद

Uh, it offered me so much as an actor to uh, to play with, and working with Selesh and the whole team was a great experience. I think our Sanya, me, Selleish, uh, we three of us also like when we were on sets, we we are like buddies on set. You know, of course, it's a very intense film; it's a very intense part. But when we were when we were off screen, we were not shooting. You will only find us laughing, giggling at one corner, cracking stupid jokes. So it was a great experience working with I think uh, this whole team, and I would love to cherish that experience again and again. Uh, sir uh, Bhushan, sir, my question is to you. Yeah, yeah, yeah. Towards your. Yeah. Yeah. So I wanted to ask, how was your experience, overall experience, working with Sarleesh, sir? A very good experience, as I just uh, said. Uh, okay, job many film देखी and. Uh, उसमें कुछ म्यूज़िक को लेके भी हमें डिस्कस करना था तो ही इज़ ऑलवेज़ मतलब काफ़ी मिल के काम करने वाले डायरेक्टर हैं और बहुत ही डेडिकेशन से काम कर आप फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है कि मीन्स ही इज़ वेरी वेरी मीन्स मिल के काम करने होना बहुत ज़रूरी है लाइक इन ट्रेलर ऑल्सो जब कुछ कुछ हमारे इनपुट्स थे तो ही वॉज़ वेरी मीन्स उसको एक्सेप्ट किया और उस चेंजेस को भी उसमें इन, चेंजेस किए ट्रेलर के अंदर हेलो हाय सर दिस यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट भूल गया सॉरी आई हैव दिस आकाश भटनागर फ्रॉम बॉलीवुड बाबल आई हैव फोर क्वेश्चन आई विल ट्राई टू आस्क बिफोर दे टेक माई माइक अवे एंड सिंस द डिस्कशन वॉज ऑन आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम डेली जस्ट टू सेट टू स्टार्ट विद राजकुमार फॉर यू लाइक दिस योर सेकेंड आउटिंग एज अ इन दिस इयर इट्स the first one in badhaido, it was a very fun-loving character, but there was a very in integral and poignant okay. takeaway from that character. in this one, i'm sure there's going to be one from this as well. for you, what was your takeaway from this character? because we see a lot of intensity, a lot of mental trauma that he's going from. you know, we don't really don't take uh, mental diseases seriously uh, in our country. that's the irony. &E. we don't really talk about it. and ptsd is. is one of the most important things that we should talk about. People don't even realise they're going through something like that, you know, they are, they're having panic attacks, they don't realise, they, they feel like, what's happening with me? So it's very important to have that conversation, and I'm, I'm glad that you know, through our film, we might have uh, a, the beginning of that conversation. Um, so with this film also, like how Badai Do, of course it was a fun film, but towards the last, the last 20 minutes, you see the, actually the pain you know, those characters were going through. And same here, I think he's, he's carrying as I said earlier, he's, he's carrying that baggage throughout the film. But he's also very much attached to his job. He's somebody who, who can't function without going um, to the field every day. So he has to do that. So I think for and, and for me too, I love. I'm a trained martial artist. I, nobody has really uh, gave me any action to do uh, before hit H I T. So I think he gave me some chance to perform some action in this film, and I thoroughly enjoyed that. Uh, I didn't even know that. You know how would it, it look? Would it, would it look real? But the way I think Salisher sees the film, he, he has kept it very real, very organic, very raw. When you see feel the action, you see the action, you'll feel that it's actually two people are you know fighting on street. It's not planned. It's not like you'll punch from here, I'll go down, and I'll. It's very organic. I think that was the fun part of doing action in this film. Hopefully, after this, we'll get to see more martial art films from you. Yes. And I just want to say thank you for giving us Badai Do. Oh, thank, thank you. you. Thank you. Sanya, I wanted to ask you like uh, the last one year, more than that, I think, one year, three months, you have had so many successful outings on the OTT platform, starting from pugled then Ludo, uh, Ludo was before that, then Minakshi Sundareshwar, then Love Hostel. Now that you're coming back to theatres, is there a nervousness regarding that? No, I'm really excited I was really excited to see the trailer also on the big screen it's been ages as an audience I'm excited to see myself on screen on a bigger screen uh, OTT is nice too but who theater come I'm sure you will agree with me yeah. so i there's no nervousness at all like I'm really excited as you said I've had like good two years mm. um, and that sort of has given me uh, some sort of Confidence as an actor, too, and I feel very blessed to have worked with all of them. So, that confidence is also coming from working with people like Saleesh, Rajkumar, and uh, a wonderful producer. So, there's a lot of excitement to be and on a bigger screen. And 70mm suits you. Is yeah. it? Thank <laughs> you, yeah. Akash. Thank Selesh, you. sir, I wanted to ask you this that yeah. uh, Hit was not just a successful film, it was also your first directorial. So, that makes it all the more special. Yeah. So, when you are when there's someone else kind of remaking a film in another language, they kind of bring their vision to it. You are bringing your own vision that you have once kind of done already. So, was there any skepticism regarding that fact that there might be a lot of somewhere uh, kind of uh, how it happened there? It might happen here as well, and a lot of people might take it as ki copy paste. Kar uh, Akash, right? Yeah, Akash. Uh, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन आकाश सो या कॉन्शियसली एफर्ट डाला गया था कि इसको एक कॉपी पेस्ट जैसा नहीं बनाएंगे ये पहला ये है बिकॉज एक मैंने मेरे सिनेमाटोग्राफर uh, सारे लोग टेक्निकल टीम भी सेम होने की वजह ये यू uh, नो uh, you know, ये कॉन्वर्जेशन पहले ही चला था कि इसको हम Uh, कैसे uh, कैसे फ्रेशली प्रेजेंट करेंगे ठीक है तो इसीलिए इसको राजस्थान में हमने प्लेस किया कि विजुअल स्केप ही बदल दिए uh, हम लोग यू नो एंड द एंड द कल्चर ऑफ यू नो राजस्थान हैड लीक्ड इनटू द फिल्म बिकॉज वी प्लेस्ड इट देयर हाँ सोल ऑफ द फिल्म सेम है वो वो चेंज नहीं करना था बिकॉज वो वर्क हुआ तो यू नो मेरा ही विजन है तो कॉपी नहीं होगा वो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेरा ही विजन है तो कॉपी कैसा इसको रिक्रिएट कर रहा हूँ बेस्ट ठीक है तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि कॉन्शियसली एफर्ट डाला गया कि इसको और बड़ा कैसा बनाएंगे और ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ आपने सही बोला कि मेरा फर्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू था तो जब मैं तेलुगु वर्जन ऑडिटोरियम में बैठ के देख रहा था नॉट दैट तेलगू वॉज अ टेस्ट रन फॉर मी मीयर समथिंग बट जब मैं ऑडिटोरियम में बैठ के तेलुगू वर्जन जब देख रहा था मुझे एक बहुत अजीब सा चीज़ समझ में आया कि ऑडियंस का रिएक्शन देख के मेरा कुछ लर्निंग्स था वो पहली बार हुआ मेरे साथ बिकॉज हमेशा हम लोग मूवी को देखते हैं टेस्ट स्क्रीनिंग्स करते हैं ऑल देट वहाँ पर असली रिजल्ट का यू विल नेवर नो बट वैना आई वॉच द फिल्म ऑडिटोरियम में बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं मैंने फ़िल्म ऑडिटोरियम में इस तरफ बैठ के नहीं देखा वहाँ खड़ा होकर मेरा ऑडियंस को देख रहा था मैं ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने बेटर बनाया इस फिल्म में यू नो विद द स्क्रीन प्ले एंड ऑल्सो कौन सा टॉपिक्स हम लोग टच कर रहे हैं उसको उसको और रिलेवेंट कैसा बनाएंगे ये सब माइंड में रख के इसको सो इन्वेस्टिगेशन को भी और बेहतर बनाया इसमें तो ये सब किया मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट लुक लाइक अ फ्रेश प्रोजेक्ट बिकॉज मैंने इनफैक्ट फैक्ट मनी सर गैरी एंड मी वी सैट डाउन एंड वी अनलर्न द फिल्म कि इसको हम भूल जाएंगे कि यू नो इसको नहीं देखेंगे शूट करने से पहले इसको एक एक दो महीना टच भी नहीं करेंगे वो फिल्म को ये कॉन्शियसली हमने एफर्ट डाला था एंड आई थिंक दैट मेक्स इट ऑल द मोर एक्साइटिंग लास्टली After six months, we're coming with a thriller. Ah, yeah, yeah, correct it. No, of course, I think every film is a responsibility. Uh, especially the kind of work I I want to do now, and from now on, starting from Badai, do, I think I want to do the kind of work that I can be really proud of. Uh, nobody knows what's going to happen to a film at the box office, which I think the audience decides. But all you can do is give your heart and soul to your film and to your character, and let your honesty, your sincerity be there on screen, and let the audience decide then. So I think the responsibility is just that, that we should make a film that we all are proud of and made with utmost sincerity that we have done. Uh, apart from that, what's gonna happen, that nobody knows. Hi, guys. Uh. Yeah, hi, guys, this is Nawaz from Team Miss Malini.

Raj got an opportunity to do stunts in this one. I hope uh, in future, I'll get a dance film. And I hope Sally <laughs> writes it for me. A thriller, comedy, and a dance film. A, a dance killer, of that. a dancer who's also a killer. Could be that. <laughs> yeah. So I think, I think uh, your answer, uh, Nawaz, how was it to uh, be directed how was it by, a by a scientist? I think uh, he is a scientist, of course. But now, I think he's more of a filmmaker, more than a scientist. Of course, all that experience really helps him r while writing but once he's on a film set he is only a maker and he is so detailed in his work i think that's the best thing about him he would come and you know if you're going some sometimes it happens you know you must have forgotten what you've done like 20 days back but he would come and remind you, you no know, sir so actually that scene we left it there so it's the emotional graft so i think it's great work it was just great working with him and he's a young guy you know so talented he's got a really bright future and that's why i was saying you know off screen we were like buddies we were just chilling and hanging out

राजकुमार ब्रो uh, आप शायद मैंने भी नहीं बोला कभी आपको ये uh, मेरा मेरे पास कुछ लिस्ट था ही नहीं ओनली वन नेम आई हैड विच वॉज राजकुमार राव तो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि मैंने हाँ बोलने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स इज़ लाइक मैं मैं इनका फ़ैन हूँ तो थोड़ा मूवी स्टार्ट करने से पहले उस प्रोसेस को थोड़ा यू नो द होल एडुलेशन आई हैड फॉर हैड फॉर इज़ वर्क उसको थोड़ा दबा के जाके करना पड़ा मुझे सो so, राजकुमार के अलावा कोई लिस्ट में था ही नहीं तो so, हाँ uh, जब मैं लिख रहा था मैं यू नो वे वॉज इट फॉर द हिंदी वर्सन वो

Thank you, thank you so much.